इतना प्रॉफिटेबल, इतना लोगों का अट्रैक्टिव एक कारोबार बन रहा है, ये बहुत ही अच्छा प्रॉफिटेबल कारोबार है। तो किसी ने आज तक ये नहीं कहा कि यार ये मैंने कारोबार शुरू किया था, मुझे नुकसान हो गया, मैंने छोड़ दिया। तो अगर किसी के पास भी वाटर अवेलेबल, सॉइल अवेलेबल है, लैंड अवेलेबल है, तो मेरे ख्याल से आंखें बंद करके इस कारोबार को कोई शुरू करे। फरीदुल्ला जी मेरा नाम है, मैं एज ए पी एस ओ यहाँ पी आर सी से मैं रिटायर हुआ। इसी सिचुएशन को डेवलप अल्हम्दुलिल्लाह मैंने किया 1995 में। ये रेनबो ट्राउट है, ये हमारे यहाँ नॉर्दर्न जी में जो आई ने 70s में आ गई। इतना प्रॉफिटेबल, इतना लोगों का अट्रैक्टिव एक कारोबार बन रहा है, ये बहुत ही अच्छा प्रॉफिटेबल कारोबार है। अगर डिटेल पर जाएँ तो मेरे ख्याल से हम आपको डिटेल अगर बताना चाहें तो पर क्यूबिक फुट में कम अज़ कम 2 पाउंड हम मछली पाल सकते हैं। ये तो फ्लो ऑफ वाटर क्रिस्टल क्लियर और फ्लो वाटर चाहिए इसको, स्टैंडिंग वाटर में ये नहीं हो सकता। ये ऑक्सीजन इसके लिए चाहिए, पीएच इनके लिए चाहिए, टेम्परेचर चाहिए, एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर भी है, स्टैंडर्ड इसका पीएच है, स्टैंडर्ड और डिजॉल्व ऑक्सीजन है। ये जो आप हैचिंग रूम मैंने आपको दिखाया, ये तकरीबन 10 लाख बच्चों की गुंजाइश यहाँ थी। अभी मजीद मॉडल फिश हैचरी हम बना रहे हैं आगे, उसमें तकरीबन 20 लाख बच्चों की मजीद गुंजाइश हमारे पास। इनको सबसे पहले रिकमेंड ये करते हैं आप किचन लेवल पर शुरू करें, हो सकता है उसका वो कामयाब ना हो जाए। तो हम उसको कहते हैं 2 तालाब पहले आप बनाएं, 100 फुट बाई 10 फुट के 2 तालाब बनाएं, उसमें आप अपना मुतमिन हो गए तो फिर तीसरा सेटअप उठाएं। तो आप जो भी ट्रेनिंग हम देते रहे, उसमें अमूमन लोगों को हम ये कहते रहे आप छोटे पैमाने से आप शुरू करें, इंशाल्लाह ये प्रॉफिटेबल है। किसी ने आज तक ये नहीं कहा कि यार ये मैंने कारोबार शुरू किया था, मुझे नुकसान हो गया, मैंने छोड़ दिया। लोग कहते हैं नहीं जी, हमने शुरू से शुरू किया था और अभी यहाँ तक हम पहुँचे। 5-5, 6-6 टन लोगों की गुंजाइश है, वहाँ कैपेसिटी है। जमींदारों के पास हमने विजिट किया। तो ये हमारा हैचिंग पैरेड हमारा शुरू होता है ना दिसंबर से, एवरी दिसंबर 15 से हमारा हैचिंग टाइम शुरू हो जाता है। तकरीबन फरवरी मार्च से हम इनिशियल साइट प्राइस जो है वो हम सेल आउट करना शुरू, 5-6 रुपये पर दाना। हम भी करते हैं गवर्नमेंट फार्म से भी, तो लोगों की डिमांड इतनी बड़ी है, अभी लोगों को हम प्रोवाइड नहीं कर सकते। इस वजह से हमने भी बनाया, उनकी कैपेसिटी भी बढ़ रही है। अभी फिशरीज डिपार्टमेंट की भी FDP के थ्रू उनके हैचिंग रूम बन रहे हैं, उनकी भी कैपेसिटी इन्हांस हो रही है। तो इंशाल्लाह हम चाहते हैं कि हम जमींदारों को हम ये कहते हैं कि आप हैचिंग रूम के पीछे आप ना पड़े। हैचिंग हैचरी जो है फ्राइज पे जो आपको अवेलेबल करने का, ये गवर्नमेंट सेक्टर आपको प्रोवाइड कर, आप सिर्फ फार्मिंग करें उससे आगे। हम तो तकरीबन 1.5 साल में पाव बना सकते थे, अभी अच्छी डाइट्स आ गई। अभी साल के अंदर आप 300 ग्राम तक, टेबल साइज इसका 250 ग्राम, इंटरनेशनल 300 ग्राम तक हम लेकर आ सकते हैं अगर अच्छा फीड हमें मिल जाए। ये 1000 रुपये किलो यहाँ ऑन द स्पॉट इस वक्त यहाँ 1000 रुपये मिलती है, लेकिन जमींदार जो है अपना मनमानी रहे, कोई 1500 रुपये बेचता है, कोई पका के 2000 की भी बेचता है, कोई 2700 की भी बेचता है, मुख्तलिफ रेट है। गवर्नमेंट के 1000 रुपये 1 किलो में 4 आते हैं, वो हमारा स्टैंडर्ड साइज़ है। 250 ग्राम पर फिश का वजन हो जाए ना, वो इंटरनेशनल हम सेल टेबल साइज फिश के तहत, वो अगर कमर्शियल लेवल होकर, मैंने आपको कहा ना ये इसमें 1 टन मछली आप पाल सकते हैं इस तालाब में, जो आपके सामने है। अगर एक बंदा 1 टन मछली वो करे तो उसमें 50% समझे उसका इन्वेस्टमेंट है। अगर 10 लाख वो कमाता है, 5 लाख उसको खुराक पे और दूसरी अदर उसमें। जो हमारा PRC का मैंडेट तो ये है ना, रिसर्च फॉर प्रॉस्पेरिटी, तहकीक बुराए खुशहाली। इनकम कमा के गवर्नमेंट को देने का हमारा मकसद नहीं है, हमारा ये एक छोटी सी एक टेक्नोलॉजी जो अच्छी प्रॉफिटेबल टेक्नोलॉजी है, इसको जमींदारों को इंट्रोड्यूस करा। ये वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपनी हद तक जो भी बजट हमारे पास अवेलेबल था हमने जमींदारों को दिया है। और यहाँ ट्रेनिंग की आप जो बात कर रहे हैं, अब मैं वो कहूँगा यहाँ बिल्कुल इतनी अप्रोच में है, बिल्कुल रोड के साथ ही है, कोई भी इधर आकर हम डिटेल से उसको बता देते हैं कि इस तरीके से आप मछली पालें, इस तरीके से इनकी फीडिंग करें, इस तरीके से इनकी ब्रीडिंग करवा दें। मैं तो कहता हूँ अगर नॉर्दर्न एरिया को थोड़ा सा गवर्नमेंट फोकस करे ना ट्राउट के बारे में, हम नेशनल रुक इंटरनेशनल लेवल पर भी हम सप्लाई दे सकते हैं। 2 साल के बाद ये अंडे मच्योर हो जाती है, मेल फीमेल दोनों, अगर सही तरीके से फीडिंग की है तो 2 साल के बाद वो अंडे देने के आपके काबिल हो जाते हैं, नहीं तो 3 साल के बाद। बड़ी मछली 2 किलो वाली मछली 3500-4000 तक भी अंडे देती है, साइज़ बड़ा होता है उनका। यानी जितना आपको हेल्दी रखेंगे ब्रूड स्टॉक को, आपके अंडे बहुत अच्छे आ जाएंगे। तो अगर किसी के पास भी वाटर अवेलेबल, सॉइल अवेलेबल है, लैंड अवेलेबल है, तो मेरे ख्याल से आंखें बंद करके इस कारोबार को कोई शुरू करें।